हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो मैंने अभी जो है वो वीडियो शुरू किया है, और कल जो है वो आज मैंने सुबह से नहीं बनाया था क्योंकि कल है अहोई अष्टमी, तो मैं उसकी थोड़ी सी तैयारियों में लगी हुई थी। तो कल अहोई अष्टमी का व्रत है मेरा, और मुझे कमेंट अभी आ रहा था, मतलब बोल रहे थे कि आप रहना, आप भी रहना। तो मैं रहती हूँ, पिछले 2 साल से मैं होली अष्टमी का व्रत कर रही हूँ। उस पर भी सभी लोगों ने बहुत सारे मैसेज करके मुझे बोला कि नहीं दीदी, ये बेटों के लिए नहीं होता है, बच्चों के संतान के लिए होता है। तो जब मैंने ये चीज़ समझ ली थी ना, तब मैंने किसी की नहीं सुनी थी, मैंने व्रत रख लिया था। क्योंकि मुझे हमारे और इधर के साइड में सब यही बोलते हैं कि बेटों के लिए होता है। कोई मेरे ससुराल में नहीं, हमारे इधर सभी यही बोलते हैं। पर मैंने जब छोटू हुई थी उसके बाद से मैं ये व्रत कर रही हूँ, और पूरी विधि विधान से करती हूँ, जैसे सब करते हैं वैसे ही करती हूँ। तो एडवांस में आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाकी अभी मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ को। और भी कुछ मुझे आप लोगों को शेयर करना है तो चलिए। और हाँ, मुझे अपना होई वाला सूट भी आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ। कल बहुत प्यारा सा सूट सिला है, तो वो भी दिखाना है। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। क्या हो गया? खड़े हो, खड़े हो जल्दी, क्या हो गया? जल्दी कर, चल। अच्छा, नहीं करते हो, यहाँ आ जाओ, खा रहे हो वहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ। क्या हो तुम? नहीं, बस मैं तो नहीं। अरे फिर इमरजेंसी में मुझे पूरी मारी किस खानी पड़ जाएगी? हाँ, जी आपका जी है? जी है आपका डाइनिंग टेबल लगाने को? फोन आ रहा। रख लो मम्मी, पर फिर भी खाना ही बेड पे बैठ कर खाया जाओगे? अरे छोटू गंदी बात देख रहा है। अरे के सारा तुझे देखने के ठीक लगा ऐसा वैसे बैठे हम बैठ के चेक कर क्या खाना है? गोपर खाना
काट क्या बाकी ताला बाबा जी दो मिस को ला ली काट चल जा बस अच्छा तो बताओ अभी हेलो पापा के पास और गलती कहाँ है लग अच्छा रहा बच्चे कुछ भी कहो देखिए ये फीलिंग आ रही मान तो बिल्कुल नहीं तो चलो मैं करवा डाली सबसे पहले देखो यहाँ ठीक रही क्या अभी मैं अभी ब्लॉग बनाऊं दो मिनट लगेगा उसे शिफ्ट करने में तो ना आप तो मुझे वीडियो बनाना मुझे लाइव करना है अच्छा ये ठीक नहीं यहाँ एक मिनट देखिए पर कपड़े वपड़े कैसे धोगे फिर यहाँ तक आओगी फिर यहाँ मैं कहूँ यहाँ तक आओगे फिर ये तो इसे हटा लियो बीच में से यहाँ तक कहाँ आ रही है डाइनिंग टेबल हाँ भाई तो इतनी तो है हाँ तो एडजस्ट करना होगा आओगी इसको हमें क्या करना है यहाँ पर खट खा रही है तो खाली जगह अच्छी लग रही है बस ये था पर चलो कमरा खाली करो कोई बात नहीं इसमें काम करो अपना तो जी चलिए अभी आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करनी है वो करते हैं और फिर अपना बाकी का काम देखते हैं सबसे पहले ये है ट्राइपॉड इस पर होएगा फोन से तो जी अभी मुझे आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करनी है जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है क्योंकि अमेज़ोन पे चली हुई है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ये सेल जो होती है ना वो सबसे बड़ी सेल होती है और इसमें आपको 70% का ऑफ मिल जाएगा मैंने कुछ जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाए हैं और बहुत सारी मतलब आप लोगों को 70% का क्योंकि त्यौहार हैं तो आप सभी लोग जो है वो अच्छे से तैयार होंगे अच्छे से रेडी होंगे तो उसमें ज़रूरत तो पड़ेगी ना सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी आप चेकआउट कर लेना सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे ये लैक्टो कैलोमाइन का फेस टोनर क्योंकि अभी देखो अभी थोड़ा थोड़ा सा आप देखोगे ना मैं थोड़ा सा अपने स्किन के जब से वो कर रही हूँ कुछ तो मैं होम रेडी बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर रही हूँ जैसे हो ही है कल तो मैं आज ही जो है वो कच्चे आलू का स्क्रब करूँगी दूध मिला के और उसके बाद जो है उसी के रस में बेसन वगैरह मिला के उसका फेस पैक लगाऊंगी करवा चौथ पे भी मैंने वही किया था और कल भी मैं यही करूँगी बहुत अच्छा सा ग्लो आया था उससे बहुत ही बढ़िया सा ज़्यादा मेकअप सेकअप भी नहीं किया और एक बेस्ट कमेंट था मेरे लिए कि आपका लुक मुझे सबसे अच्छा लगा करवा चौथ वाला मतलब बहुत सारे व्लॉगर के वीडियो देखे बट आपका जो लुक था वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना मतलब मेरे उसको सभी ने तारीफ़ की साड़ी की भी बहुत तारीफ़ की और लुक की भी कल भी शायद सबको पसंद आए चलो सबसे पहले ये लैक्टो कैलोमाइन का मैंने फेस टोनर मंगवाया है और सेकेंड टाइम मंगवाया है पहले भी मंगवाया था बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इसका लगा था दूसरा जो है कॉम्पैक्ट मंगवाया है मैंने ये मेबलिन फिटमी का मैं आपको पता ही है बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ फिटमी मेबलिन के काजल हो मस्कारा हो या फिर हमारा जो है फाउंडेशन हो मैं ये भी मेबलिन फिटमी का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका जो मतलब हम इसको यूज़ करते हैं ना बिल्कुल भी केकी सा नहीं होता और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा फेस पे कुछ लगा
लगाया हुआ है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और मैं कुछ ज़्यादा, जब जैसे त्यौहार हो चाहे कुछ भी, मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती, मैं थोड़ा सा ये लेती हूँ फाउंडेशन और उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, फिर अपना वही थोड़ा सा ब्लशर वगैरह लगा लिया। तो उतना मेकअप करना आ जाए आप तेज़ त्यौहार पर खुद से कर लो, तो इतना मतलब मैं कर लेती हूँ। और इसके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप भी कोई बहुत अच्छा सा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो ना, तो ये एक बार आप मेबलिन फिटमे का टोन जो है वो आप अपने हिसाब से मंगवाइएगा कि आपको कौन सा सूट होता है। ये मेरा 649 का था और अभी तो आपको ये डिस्काउंट में मिलेगा क्योंकि अभी सेल चली हुई है, तो ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था। दूसरा जो है, मैंने एक ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर मंगवाया था जो कि काफ़ी अच्छा है। ये इस तरीके का स्टिक में आता है। दो तरीके के ब्लशर हैं मेरे पास, एक ये मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट, जैसा हमारा कॉम्पैक्ट होता है ना उसमें आता है, ये वाला है मेबलिन फिटमी का ही। और एक ब्लशर है ये स्टिक वाला, आप कोई सा भी मंगवा सकते हो जो भी आप चाहो, दोनों की ही क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये है हमारा, ये भी देखो लॉन्ग टाइम चलेगा, देखो इतना सारा है, कितना ही यूज़ कर लेते हैं हम, है ना। ये तो जरा सा थोड़ा सा आप लगा लो इस तरीके से और बहुत नेचुरल है ये ना लगाने के बाद में बिल्कुल भी ऐसा, देखो बहुत ही नेचुरल जो है आपके मतलब ब्लशर का काम करता है। तो एक है ये स्विस ब्यूटी का जो मैंने मंगवाया है और एक है ये मेबलिन फिटमी का। ज़्यादातर आप मेरे पास में प्रोडक्ट देखोगे वो मेबलिन फिटमी के ही देखोगे क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है और इनके साथ में जो मेरा रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा गया है। एक मैंने मंगवाया है ये एलोवेरा जेल नेचर का, तो ये भी बहुत अच्छा है। अभी मैं क्या करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र के उसमें मैं एलोवेरा जेल ही अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। ये वाला छोटी डब्बी मैंने मंगवाई थी नेचर की, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने जो है ममार्थ का भी यूज़ किया है, एक पतंजलि का वो भी यूज़ किया है और एक और मैंने जो है वो वाओ का भी यूज़ किया है एलोवेरा जेल, और एक अब की बार मैंने मंगवाया है ये नेचर का। तो आप इसको भी मंगवा सकते हो, मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। मैं आप कोई होम रेमेडी लगाते हो तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के परचेज़ कर सकते हो। अच्छा जी, चलिए अभी ये सारी बातें हो गई, तो जी ये तो बात हो गई थी हमारी शॉपिंग की जो हमने त्यौहार के लिए की है अमेज़ोन से। बाकी अभी मुझे आप लोगों से करनी है कुछ इम्पोर्टेंट बात कल की वीडियो को लेकर के। देखो मैं क्लियर बात करूँगी बिल्कुल, मुझे कोई घुमा फिरा करके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर और साफ शब्दों में मैं बात करूँगी। एक मुझे कमेंट आया था, देखो ये होते हैं हमारे जो हैं वो सपोर्टर ही मान लीजिए, मैं इनको हेटर तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ये सपोर्टर ही होते हैं। क्योंकि मुझे कमेंट आया था एक वीडियो हटवाने के लिए कि दीदी बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो हटवा दो। तो जी देखो वीडियो वगैरह तो मैं किसी की बिल्कुल भी नहीं हटवा सकती हूँ, सबका अपना चॉइस है कि वो क्या बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसमें हम किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो उसके लिए हाँ, तो मैं बिल्कुल ही साफ साफ शब्दों में यही बोलूँगी कि मैं किसी का कोई वीडियो नहीं हटवा सकती हूँ, ठीक है जी। और हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बेटियाँ हों बच्चे हों, भैया मुझे बच्चों से तो, मैं बच्चों के बारे में चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे मैं ये बोल रही हूँ मेरे रिलेशन में किसी के भी हों, भैया बच्चों के लिए मेरे मन में इक्वल चीज़ें हैं, मैं बच्चों के लिए ही द्वेष भाव नहीं रख सकती हूँ अपने मन में। हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, हम कुछ भी कर लें, हम बच्चों के बारे में अपने मन में किसी के लिए भी वो रखते हैं तो वो पूजा पाठ हमारा नहीं लगता है, ठीक है। तो पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं और ना ही हम उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ सोशल मीडिया पर बात कर सकते हैं, ठीक है जी। मुझे किसी ने वीडियो हटाने के लिए बोला था कि आप प्लीज़ बहुत वैसी वीडियो है तो आप उसको हटवा दो, तो जी मैं फिर से बस हाथ ही जोड़ सकती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। और दूसरी चीज़,
बिल्कुल जो मुझे मैसेज आया उसी का रिप्लाई करूंगी। एक मैसेज आया कि आप अपने देवर का मकान रिपेयर करा दो, अपना प्लॉट खरीद रही हूँ। सबने जिन लोगों ने वहाँ पे जाके रिप्लाई किया उसका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज कि अब से दो से तीन साल पहले का आप मेरा वीडियो उठा करके देखोगे तो देखोगे आप, वो हमने पूरा घर रेनोवेट करवाया था, पूरा ही घर हमने वो रेनोवेट करवाया था। उसमें हमने रैक्सीन वगैरह, पेंट वगैरह, किचन वगैरह, और हमने टैंक वगैरह रखवाया था, मतलब पानी का सारा सिस्टम कराया था, और हमने वाश बेसिन, तो हर एक चीज़ जिन लोगों जो लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं वो बिल्कुल हमने घर ऐसा कर दिया था कि मुंह बोल रहा था, वो घर इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लगता था। हमने ईंटें बिछवाई थी उस पूरे ही, उसमें इतनी सुंदर लगती थी ना वो, बहुत ही मतलब मेरा खुद मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता था वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेंटेन कैसे कर रहे हो। बार बार कोई किसी के घर को रिपेयर नहीं करवाता है, हमारी भी लाइफ है भाई, हमारे भी बच्चे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना करें। मतलब उनका कहता है कि प्लॉट ले रहे हो देवर का, मकान तो रिपेयर करा दो, मतलब क्या तुक बैठता है क्या आप सभी लोग। हम अभी फिर वही चीज़ आ जाएगी, अगर मैं बोलूँगी तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। देखो हम जितने जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं हम उनको बखूबी निभा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि और अच्छे से उन चीज़ों को हम करें। मम्मी हो गई, पापा जी हो गए, अंकल जी हो गए, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें ना किसी को जताने की ज़रूरत है और ना ही हम किसी को दिखाने के लिए या हम समाज के लिए या हम किसी भी चीज़ के लिए हमें उनका करना, जी नहीं, हम अपने दिल से करते हैं। हम उनका जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम अपने मन से कर रहे हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। ठीक है, हम अपने मन से करते हैं उनका जो भी कर रहे हैं। और रही बात कहीं भी कुछ भी हो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम ये क्यों भाई, हमारे परिवार नहीं है क्या, हमारे बच्चे नहीं है क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जो कमाते हैं हम उसी से अपना घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, अब छोटू भी स्कूल जाने लगेगी, रेंट के घर में रहते हैं, तो अगर मैंने अपने बच्चों के लिए एक प्लॉट ले लिया, और एक क्या मैंने दो प्लॉट मैं ले चुकी हूँ अपने बच्चों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और चाहे वो बच्चों के लिए FDs वगैरह हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, मैं सारी चीज़ें करते हैं हम भाई, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, आगे इनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि हम गलत क्या कर रहे हैं कि ये कर दो, उसके लिए कर दो, इसके लिए कर दो। तो जी हमारा भी परिवार है, अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो क्या ये भी गलत है, उसमें भी आकर के उनके लिए कर दो। और देखो देवर के पास में ज़मीन वमीन सब है, घर भी है, कौन किस तरीके अपने कैसे मेंटेन करता है वो बहुत निर्भर करता है। अभी दो ही साल हुए हैं उस घर को रिपेयर किए हुए, दो साल पहले, दो से तीन साल पहले ही वो मकान रिपेयर हुआ था, जिसमें कि 4-5 लाख रुपए लगे थे उस रिपेयर होने में उस मकान को, और वो हमने ही करवाया था, और मुझे बोलने में भी कोई शर्म नहीं है उस चीज़ को, वो हमने ही मकान रिपेयर, हम तो रहते भी नहीं थे तब भी नहीं रहते थे हम, तो अब भी नहीं रहते हैं, वो उन्हीं का घर है, तब भी हमने रिपेयर कराया था वो पूरा घर। तो आप लोग भी ना, जो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं वो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच तो लिया करो कि क्या आप भी करते हो। अपनी फैमिली को नहीं देख सकते हम अपने बच्चों के लिए, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्या ये गलत है, मुझे नहीं लगता। और देखो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उनको पूरे मन से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। मेरे लिए जो है वो ये नहीं है कि मुझे सास ससुर की करनी है, दिखाना है, नहीं, मैं मन से करती हूँ जो चीज़ें करती हूँ। करवा चौथ का त्यौहार था, मम्मी पापा जी अंकल जी बच्चे सब लोग वहाँ थे, टाइम से सारी चीज़ें की, सब लोगों के लिए खाना बनाया, वहाँ लेके गई, सबको खिला पिला के तब आई, फिर अपनी पूजा पाठ की तैयार हुई, उसके बाद अपना खाना पीना खाया। कल हुई है, कल भी ऐसे ही सबसे पहले अपनी पूजा पाठ करूँगी, फिर सब लोगों के लिए खाना बनाऊँगी, लेकर के जाऊँगी, और फिर उन सबको खिला विला के तब अपना आके यहाँ पे करूँगी। तो बस ऐसे ही है और अच्छा लगता है करने में, कुछ मैं ये वो नहीं कर रही हूँ कि कुछ है, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, फैमिली के लिए कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
ठीक है, और मैं खुशी से करती हूँ ये सारी चीज़ें, अपनी खुशी से, कोई उसमें नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो जी यही बात मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आप लोग मेरी बात को समझोगे भी, और जो लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा टाइप करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। बाकी तो राधे राधे।